ऐसा ही एक एरिया है बच्चों पीई आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहां बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे डाउट्स हैं कि पी आर -E होती क्या है ये कब शुरू होती है कहां करनी होती है इसकी डिटेल्स क्या है मैं क्या कर सकता हूं क्या काउंट होगा क्या काउंट नहीं होगा और अगर मैं कुछ ऑलरेडी कर चुका हूं तो क्या वो कंसिडर होगा मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी कैसे मैं करूंगा कैसे और ये एसी कंसिडर कैसे करता है इसके लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट नॉट देखा कितने सारे क्वेश्चन है बिल्कुल और इसीलिए हमने कहा चलो आज हम एक नए एपिसोड के साथ आते हैं जहां हम पी आर से रिलेटेड हर चीज को खेल कर देंगे यस माई फ्रेंड वी आर गोन किल इट बिकॉज हम इस सारे टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे और हम एक मेंटोर के साथ डिस्कशन करेंगे जिन्होंने ये ऑलरेडी फेस देखा हुआ है और खुद डील किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट एवर इट इज तो चले उनके पास यस आई हैव टुडे दिशा चौहान विद मी शी इज ए क्वालिफाइड एसी मेंबर और वो बहुत बहुत शिद्दत से एसीसीए मेंटोरशिप में भी काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ रियली गाइडिंग ऑल ऑफ यू एज टू वॉट यू शुड बी डूइंग और एक बहुत अच्छी एसीसी फैकल्टी भी है फॉर वेरियस एसी सी सब्जेक्ट आज हम उनके पास चलेंगे बहुत सारी डिस्कशन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ यू यू नो नो एरियाज आर एंड नीड टू फ्रॉम दी स्टैंड पॉइंट हमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए अपने डिस्कशन फोरम पे और बहुत सारी कॉमेंट्स भी आई थी हमारे वीडियोज में इसलिए वी थॉट दैट लेट्स इट एंड मेक दिस एपिसोड सो दैट इट रियली रियलीटिसफाइज यू फॉर एनीथिंग यू मे नीड फ्रॉम दी पी आर स्टैंड पॉइंट इससे पहले मैं दिशा मैम के पास चलू फटाफट फड़ से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी जितनी भी वीडियो एसीसी टॉक से रिलेटेड आए आप तक सबसे पहले पॉक्च है तो चले दिशा के पास राइट हाय दिशा

Hi everyone, I am ACC Disha चौहान. I am an ACC member and mentor for ACC students. I've been working in the big fours also in the past and right now I am in the teaching profession where I'm helping the ACC students. Yes, and all I can tell you, my friend, is that दिशा मैम की क्लास एक बार जरूर देखनी चाहिए. आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिशा मैम कितनी मेहनत करती हैं स्टूडेंट के साथ इन टर्म्स ऑफ़ telling them as to what they should be doing. and how they should be progressing in their career. Disha, as we spoke earlier, you know, which is the the दुड बी प्रोग्रेसिंग टॉक्स टूडे इज दी आर पी आर से रिलेटेड ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं कि सर ये पी आर है क्या ये होगा कैसे हम कहाँ से कर सकते हैं अगर हम इसे कर पाएंगे या नहीं और हमें मिल भी पाएगा या नहीं इसके फायदे क्या हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो मुझे लगा कि यू नो क्यों नहीं हम ए टॉक्स के अंदर इस चीज को डेडिकेटेडली टाइम देकर डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट इट इज द वे इट इज एंड ऑफ कोर्स लेट्स अनकवर ईच एंड एवरी पीस ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट दैट इज एक्सैक्टली ताकि स्टूडेंट्स को ये पता भी चले और उन्हें समझ भी आए इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट दैट इज एंड ऑफकोर्स दे रियली बी अवेयर ऑफ इसके ऊपर अगर काम करना है तो वो कैसे करना है तो हम एक एक करके डिटेलिंग करेंगे एक एक करके इसके बारे में जाएंगे इसके अंदर जाएंगे खूब सारे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में ताकि हमें और भी चीजों की क्लैरिटी मिले इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पी होती क्या है अगर लिमिनिस्ट टर्म्स में हम बात करें नॉट गेटिंग इन टू यू नो द रियल रियल रियलो लिमिनि बात करें तो पी है क्या

अगर आप पूछें कि ये थर्टी सिक्स मंथ्स में एक ही फर्म में कर सकता हूँ या ब्रेक कर, कर सकता हूँ या इज इंटर्नशिप काउंटेड तो ये yes, आप ये थर्टी सिक्स मंथ आप एज इंटर्नशिप कर सकते हो एज योर फुल टाइम जॉब एज योर पार्ट टाइम जॉब ये हर चीज काउंट होती है बट ऑबियसली इट हैज़ टू बी इन अकाउंटिंग और अ फाइनेंस रोल अच्छा अगर मैं यू you नो know, अगर इसको थोड़ा सा और अनकवर करने की कोशिश की जाए तो पी आर बेसिकली हमें एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है मेंबर बनने के लिए वो एक्सपीरियंस हमें चाहिए तभी हम एफिलियट से मेंबर बन पाएंगे और वो एक्सपीरियंस मैं बहुत जगह से ले सकता हूँ बहुत तरह की जॉब कर सकता हूँ एंड सो एन सो हम फोटन आएंगे इन टर्म्स ऑफ यू नो वो क्या जॉब्स हैं बिकॉज मुझे वो बिल्कुल जानना है ताकि हमारे बच्चे के मन में एक भी डाउट ना रहे हमारे बच्चों के मन में कि ये चीज़ है क्या बट इसको ना अगर थोड़ा सा इसको ऐसे समझें जैसा आपने कहा कि आप इसको पार्ट इन पीसेस में भी कर सकते हैं तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं तो क्या इसकी टाइमिंग क्या रहती है ये अगर मुझे ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट लेनी है तो मुझे कब शुरू करना चाहिए ये ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मुझे कब शुरू करनी चाहिए सो आइडियली व्हेन यू आर लाइक एज सच आप जब ए में रजिस्टर कर लें आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपने नहीं भी किया है अब आप आपका पिछला जो आपने कभी वर्क किया है वो भी काउंट होगा सो so, सपोजिटली मैंने काम किया दो साल किसी अकाउंटिंग फर्म में एंड देन आई रियलाइज आई वांट टू डू ए एंड देन आई स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर ए पर जो मैंने पहले दो साल जॉब किया है मैं वापस जाके उसके फर्म को बोल सकती हूँ लाइक आई कैन एट दिन विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट बट मेरा वो दो साल भी वेस्ट नहीं जाएगा आई कैन रिकॉर्ड दैट एज वेल जब मैं ए में रजिस्टर्ड नहीं थी तब भी जब मैं रजिस्टर कर लू एज अ स्टूडेंट आई कैन गेट इंटर्नशिप आई कैन यू नो काउंट दैट एज एन आई कैन गेट जॉब्स जॉब्स फुल टाइम भी मिलते हैं सो दैट विल बी काउंटेड सो ऑल ऑफ दिस मतलब आपने कभी भी किया है चाहे आपने ए के लिए रजिस्टर उस वक्त किया हो ना किया हो दैट डजेंट मैटर आपका उस, अगर रेलिवेंट रोल है तो वो काउंट किया जाएगा एंड इट्स नॉट की फुल टाइम ही होना चाहिए आपने कोई भी पार्ट टाइम किया है इंटर्नशिप की है वो सब काउंट किया जाता है इज जस्ट दैट इट शुड बी इन योर रेलिवेंट वर्किंग मतलब ऑब्वियसली ए सी से है तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग फाइनेंस में होना चाहिए कोई एकदम ही कोई थर्ड रोल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वो तो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा सो इट शुड बी इन दैट प्रोफेशन उससे रिलेटेड एवरीथिंग विल बी काउंटेड इट्स नॉट की मैंने अगर रजिस्टर नहीं किया था कि ओ मेरा वो दो साल वेस्ट हो गया एवरीथिंग विल बी काउंटेड इट ड मैटर आपने कब स्टार्ट किया है बेसिकली आपको बस अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करना होगा एंड इट विली है और मैंने आज से दो साल पहले काम किया था तो उसको भी मैं consider कर सकता हूँ e. yes, yeah. you know, you know, तो मैंने जो वर्क एक्सपीरियंस किया था आप प्लीज उसको अप्रूव कर दीजिए एंड इट विलेड वेरी गुड नाउ दिस इज रियली चिल्ड्रन एंड दिस रियली रियली आपका प्रायर एक्सपीरियंस भी यहाँ काउंट हो जाएगा अब दिशा देखो जनरली ना जो बच्चे एज ए स्टूडेंट जो आपको कैटेगरीज uh, में मिलेंगे वो एक वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश होंगे क्लास इलेवन कर रहे हैं या पास हुए हैं और यू नो दे आर एनरोलिंग फॉर ए और ए करना है एक ग्लोबल डिग्री लेनी है एंड सो सो फोर्थ एक वो बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे और क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ साथ में काम किया होगा बहुत अच्छी बात है और तीसरे बच्चे वो होंगे जो शायद कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी कर रहे होंगे जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं तो अगर मैं इन तीनों पीसीस की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो अगर वो कहीं आर्टिकल शिप कर रहा है तो उसने या उसने कर ली है तो ये उसकी हुँ. पूरी की पूरी आर्टिकल शिप इफेक्टिवली ए की पी .E में कवर हो जानी चाहिए यस एब्सोल्युटली तो उनकी जो आर्टिकल शिप है वो कवर हो जाएगी वो आप एज अ पी उसको आप दिखा सकते हो जितने भी आपने काम किया जितने भी मंथ काम किया या जितना भी आपने टाइम दिया उसमें yes.

उन्हें भी अगर ए सीसीए शुरू करी है उन्होंने तो जैसा उन्हें ठीक लगे या जब उन्हें ठीक लगे बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप ए से सी ज्वाइन करते ही पीआर e. शुरू कर लो बिकॉज you know, काम साथ में एकदम से पढ़ाई के साथ में और यू you यूनो know, बच्चा इतना बड़ा भी नहीं होता है उस समय तो इतना आसान नहीं होता है तो अगर वो थोड़ा टाइम रुक के भी पीआर e. शुरू करें तो वो कोई भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड जॉब शुरू कर सकते हैं अपनी एसी से कॉन्टिन्यू करते हुए और वो जॉब उनकी काउंट हो जाएगी उनकी पीआर के लिए इस दैट और आप जितने जल्दी पी आर स्टार्ट करोगे आप उतने जल्दी से मेम्बर बनोगे जिसके आपको फिर बेनिफिट मिलेंगे ये बड़ा अच्छा सवाल है <laughs> जितना जल्दी शुरू करोगे <laughs> अब आप इन द इंडस्ट्री आप क्या सजेस्ट करोगे राइट right टाइम क्या रहेगा इन बच्चों के लिए देखो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे वो तो एक दो साल कॉलेज में आ चुके हैं यू नो देव सीन वॉट सीन एन यू नो नाउर दे विल जर्नी इन टू दॉब वर्ल्ड बट ये जो मेरे छोटे और नटखट बच्चे है ना इन्होंने अभी अभी स्कूल छोड़ा है या स्कूल छोड़ेंगे तो इनके लिए क्या वो सही सही टाइमिंग रहेगा पी शुरू करने के लिए आई नॉलेज लेवल कंप्लीट हो जाए आप स्किल्स में आ गए हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए देखना क्योंकि उसमें भी आपको टाइम लगेगा ऐसा नहीं है कि आप कहीं अप्लाई करेंगे और आपको तुरंत मिल जाएगा so level, आप दो तीन पेपर दे दें

अब हम स्किल लेवल के एग्जाम देते हैं और एग्जाम देते हुए हम लोग साथ में कोई ना कोई जॉब शुरू करते हैं या ट्रेनिंग शुरू करते हैं या इंटर्नशिप शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं एंड वो मुझे हेल्प करेगी कि जब तक मेरा प्रोफेशनल लेवल एग्जाम क्लियर हो तब तक कहीं ना कहीं मेरे तीन साल या दो साल या ढाई साल जो भी वो टाइम पीरियड है वो कवर तो हो चुका हो और वो मेरे लिए काउंट हो जाए ए सी सी मेंबर बनने के लिए दिशा एक चीज जो बच्चों के दिमाग में ना कई बार आती होगी और मैं इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहता हूं वो ये कि ना ACCA से आपको मेंबर बनाती आपने 13 पेपर क्लियर तो आप ACCA हो गए बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट बात है है स्मार्ट बट अब आपने तीन साल की ट्रेनिंग साथ में करी या बाद में करी उसके बाद आप मेंबर क्या, you know, क्या मुझे जॉब मिल जाती है एज एन एसी या मुझे जॉब तभी मिलेगी मैं अगर एसीसी मेंबर हो जाऊंगा बिकॉज ये नो बहुत बच्चे से आते हैं ना एसीसी में खास तौर पे एनरोल होने के लिए उनके मन में सवाल आता है कि सर मैंने पेपर तो क्लियर कर लिए जैसे तैसे करके बट मेरी अभी यू नो मैं तो नहीं मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो मुझे जॉब मिलेगी तो अगर मैं एसीसी सी हूं और मैं मेंबर नहीं हूं तो क्या मुझे जॉब मिलती है एब्सोल्युटली सर एज एज एन एन या तक भी मैंने तो देखा है इतने लोग को मिलती है बट एज एन एसी सी एफिलियेट आपको डेफिनेटली मिलेगी मैंने खुद एज एन एसी एफिलियेट दो बिग फोर्स में काम किया एंड देन आई बिकेम अ मेंबर आपको इजिली जॉब मिल जाती है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वॉन्टिंग सच पीपल बिकॉज उनको भी पता है आपका जैसे ही पी आर होगा आप मेंबर बन जाओगे सो द गैप इज न पेपर दाम कम्प्लीट कर ही लिया इज जस्ट यूर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो वर्क रिक्वायरमेंट होती है सो एज एन एफ सीसीट यू विल इजिली गेट अ जॉब आपको वो टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं की जब तक मैं मेम्बर नहीं बनूंगा बिकॉज आप मेंबर तभी बनोगे जब आप वो काम कुछ करोगे वो काम आराम से मिलता है हर फॉर्म में आपको इजिली मिल जाएगा बहुत फॉर्म है जो हायर करती है एफिलियट्स को वेरी राइट right. और अगर मैं अपना वो दूसरे सवाल को ना भूलू की एसीसी एफिलेट और मेंबर में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है कि अगर मैं एक एफिलेट हूँ और एक मेंबर हूं आप कैसे देखते हो उसको सो सर मेजर डिफरेंस तो ये आफ्टर यू बिकम अन यूजो विध येम एंड सैलरी पैकेज वगैरह भी बढ़ जाती है an member, no uh, आप मेंबर एक बार आपने जब अपना मॉड्यूल एथिक्स मॉड्यूल एंड आपने पी आर कर लिया आप बन जाते हैं बट एज सच उतना कुछ नहीं रहता है कि काम आपको एकदम ही कुछ अलग मिल जाएगा अफकोर्स अगर आप

अगर हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमने पेपर क्लियर कर लिया और हम एफिलेट हो गए तो बाबा रे जॉब हमारे लिए पड़ी और एक चीज मैं और बता दूं तो दिशा ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारे ए स्टूडेंट्स को भी जॉब मिल जाती है एंड यू नो यू वुड सी दैट वेरी ऑफ्टन ऑन टू दी यू नो फिल गल इट आउट की नाइन पेपर क्लियर करके सिक्स पेपर क्लियर करके भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करती है एज इंटर्न एज एसोसिएट एज एनालिस्ट जब आप ज्वाइन करते हो और वहां काम करना शुरू करते हो और वो काउंट हो जाता है आपके पीआर के लिए आपको मैं एक बात यहां और बता देता हूं फिंटराम का एक डेडिकेटेड चैनल है वेयर इन वी प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ वेरियस पीआर रिलेटेड एरियाज ऑफ ऑफ़ रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री बहुत सारी जॉब वहां पे आती हैं एसीसी एफिलिएट्स के लिए भी एसीसी मेंबर्स के लिए भी एसीसी स्टूडेंट्स के लिए भी आप उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसकी डिटेल में अपनी वीडियो की डिटेल में दे रहा हूं तो आप फटाफट -फड़ से उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अच्छा दिशा ये तो समझ में आया हमें ए सी एफिलेट और ए मेंबर की बात अब अगर हम बात करें क्लास ट्वेल्थ के बच्चों की क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक एक कहीं ना कहीं एक डर है उनके मन में कि मैं टीम पेपर चलो मैंने क्लियर कर लिए क्लियर किया पॉसिबल है ना वो शायद कर लेता है और आसान भी होता है बट क्या ये ट्वेल्थ के बच्चे जो पास हुए जिन्होंने एक साल में नॉलेज के पेपर दिए क्या वो मैनेज हो जाएगा उनके लिए वो ट्रेनिंग करना और साथ में एग्जाम क्लियर कर पाना एब्सोल्युटली मैनेज हो जाएगा मैंने खुद लेवल पे जब मैं थी तब भी मैं जॉब कर रही थी एंड आई वुड से कि एक्चुअली बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि आप आप जो काम करते हो आप हो वही चीज पढ़ रहे होते तो इन वे say, हो है. Like, मैं ऑडिट पढ़ रही थी और मैं देख रही थी मैं वही काम कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था अंडरस्टैंड करना था एक्चुअली उससे डरना नहीं चाहिए कि वो काम है काम का प्रेशर होगा और पढ़ाई अलग है इट्स द सेम थिंग आप जो पढ़ रहे हो आप इना वे वही अप्लाई करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लो वही तो करना है आगे जाके भी तो वही काम करना है तो बेटर काम करना शुरू करो सीखोगे और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने इसमें बोला कि हो जाता है कहीं ना कहीं सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो वो काम में हेल्प नहीं करेगा जो काम कर रहे हो वो भी आपके पास होने में कहीं आपको वो हेल्प करेगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम करने के लिए ऐसा कुछ नजर आता है एग्जाम में तो एंड देन

बच्चों को करने चाहिए जो बच्चों जिससे रिलेटेड बच्चों को काम करना है वो क्या होते हैं यू you नो know, थोड़ा इस पे यू नो इफ यू स्पीक ऑन दैट तो जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हमें कंप्लीट करने होते हैं वैसे तो एसीसीए में लाइक फाइव एसेंशियल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आ, फोर हमें टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होते हैं आउट ऑफ सेवेंटीन तो जैसे कि अगर मैं टैक्स में हूँ तो करूंगी अगर मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन एंड ऑफ ऑडिट प्लान एंड ऑडिट रिपोर्ट्स तो अगर मैं एक फर्म में काम करूं मैं एक ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रू मैंने ये काम किया ही होगा तो मैं जब ये काम करती हूँ मैं फिर इस के टूवर्ड अपना परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती हूँ क्योंकि मैंने काम किया ऑडिट प्लान का बेसिकली मैं फिर पोर्टल में जाके मेंशन करूंगी कि कैसे मैंने ये चीजों को इम्प्लीमेंट किया इन माय रियल लाइफ आई विल प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ टू टू थ्री हंड्रेड वर्ड्स आई एलिमेंट्स एंड द फाइनल माई सुपरवाइजर विल अप्रूव दैट येस दिस पर्सन हैज एक्चुअली वर्क इन दैट ऑडिट या फिर अगर आप टैक्स में हो तो टैक्स में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपरेशन तो ऐसे चार टेक्निकल ऑब्जेक्टिव होते हैं और आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो वो फिर उसमें कंप्लीट हो जाते हैं उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं और जो हमारे फाइव एसेंशियल आई वुड से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे कि हमारे हो गया गवर्नेंस हो गया लीडरशिप मैनेजमेंट हो गया ये तो इसी से मानता है कि आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो तो ये एसेंशियली होंगे ही होंगे बिकॉज आप टीम वर्क कर रहे हो आप यू नो टीम के साथ काम करो एथिक्स में यू आर एक्टिंग डिलीजेंटली कर रहे हो गवर्नेंस एंड ऑल ऑफ दैट तो ये फाइव एसेंशियल तो अपने आप कंप्लीट होते ही रहते इफ यू आर वर्किंग इन एनी फॉर्म एंड ये चार जो टेक्निकल है वो आप चूज कर सकते हो आउट ऑफ सेवेंटीन जो आपको फिट करता है अगर आपको ऑडिट करता है आपको टैक्स करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है जो भी है वो यू कैन चूज एंड अगर आप अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम करो देन तो यू डोंट हैव टू वरी

और वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ACCA ने डिफाइन करे हुए हैं जो आप बोल रहे हैं फाइव जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर कह सकते हैं कि अ ही राइट वर्ड रहेगा राइट जेनेरिकल्स हैं या एसेंशियल्स हैं जेनेरिक जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और फोर टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स तो मुझे फाइव इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना पड़ेगा जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे ये मीट करने पड़ेंगे और फोर जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है वो भी मुझे मीट करने पड़ेंगे और करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये किया है तो अगेन वी विल बी प्रोवाइडिंग स्टूडेंट घबराना नहीं है मैं पूरी डिटेल इन ऑब्जेक्टिव्स की आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा आप देख सकते हैं वो क्या है बट दिस जो ऑब्जेक्टिव्स क्या फाइनेंस रिलेटेड जॉब में इजिली मीट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट एवर दे आर Yes, sir. Like I said, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप फाइनेंस में हो तो आपको एक ब्रैकेट मिलेगा फाइनेंस के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं आप ऑडिट में हो तो ऑडिट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव है।, है तो आप जो काम कर रहे हो वो बेसिकली उसी बेसिकलीव के बारे में होता है एंड यू कैन देन डिफाइन लाइक यू यू कैन गो एंड कैन समराइज इट इन योर ओन वर्ड की ये मेरा काम था मैंने ये काम किया ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया एंड हेंस आई हैव मेट दिस ऑब्जेक्टिव सो वो इजिली हो जाता है आप जिस भी फील्ड में हो ऐसा नहीं है कि

अब अब वो डिपेंड करता है आप किस में हो अगर आप ऑडिट में हो तो आप चूज कर लोगे ऑडिट के अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड यू कैन देन टेल योर सुपरवाइजर मैं ये ऑब्जेक्टिव्स फिल किया है आप प्लीज देखो देन दे विल अप्रूव इट आप टैक्स में हो तो आप, आप पे डिपेंड करता है आप पढ़ोगे सारे ऑब्जेक्टिव आपको लगेगा हाँ ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ ये मीट हो रहा है तो आप उस हिसाब से आप कर लोगे तो आप इजिली पिक कर लोगे पर अगर आप कोई और फाइनेंस रोल कर रहे हो तो फाइनेंस के भी हेड होते हैं सो so, आप बेसिकली देखोगे आप काम क्या कर रहे हो यूल रीट ऑल द ऑब्जेक्टिव एंड देखो आराम से मिल जाएंगे कि हाँ मैं एक्चुअली ये काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है की यूल भी लाइक ओ मैं काम कर रहा हूँ और कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे मीट नहीं हो रहा है वो नहीं होगा सो so इफेक्टिवली कोई भी फाइनेंस रिलेटेड अगर आप जॉब करते हो तो इफेक्ट जब आप इन परफॉर्मेंस को जाके पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रेजेंट करके मुझे किसी जैसा आप बोल रहे थे मुझे अपने सुपरवाइजर से अप्रूव कराना पड़ेगा और हम आएंगे इस डिटेल का क्या प्रोसेस रहता है तो मुझे अप्रूव कराना पड़ेगा और वंस वो अप्रूव कर देता है तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में कवर हो जाएगा इज दैट वी ट्राइंग टू इस

एंड उनकी आर्टिकलशिप में उन्होंने जो काम किया था उन्होंने कहा सर मैंने तो सारे ही ऑब्जेक्टिव मीट किए हुए हैं जितने हैं मैंने सब किया हुआ तो मैं तो चूज करके कोई भी चार लिख दूंगा कि ये तो है मैंने तो इफेक्टिवली सब किया हुआ है क्योंकि आप इतना वर्सेटाइल हो जाते हो काम करते हुए कि आपने बहुत सारी चीजें जेनरिक तो देखी ही होती हैं स्पेसिफिक में अब एक आर्टिकलशिप का बच्चा उसने है उसने टैक्सेशन भी देखी हुई है उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देखी हुई है उसने ऑडिट भी देखा हुआ है एंड सो ऑन एंड सो फोर तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइंग

सेम फाइंड एंड approved employee आप लोकेशन डालो इंडिया डालो गया बहुत सारी आएंगी बिग फोस तो सारी हैं तो ये सारे जो uh, हैं इनके साथ क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आपको एज सच जाके ऑब्जेक्टिव्स को नोट डाउन करके जो हम बाकी को करना होगा वो नहीं करना पड़ेगा अप्रूव एज सच नहीं कराना पड़ेगा बिकॉज एसी मानता है कि ये एम्प्लॉयर्स जो है इनका सेटअप ही ऐसा होता है यहाँ जो वो काम करवाते हैं वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे ही होंगे राइट right. और कितना ियट हो जाता है बच्चों के लिए yeah. अगर मैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास काम करना शुरू हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कि मुझे ऐसा कुछ भरना नहीं है कुछ जमा नहीं yeah. कराना है कुछ अप्रूव नहीं कराना है बाय डिफॉल्ट वो अप्रूव्ड है वेरी गुड एंड एंड

मुझे आ, मुझे अब पी आर मैं एक नटखट बच्चा हूं मैंने मैं आया अपने ग्रेजुएशन मैंने शुरू कर दिया है अब मुझे पी आर शुरू करनी है तो मैं किस तरह से पी आर के लिए अप्रोच करूं आ, थोड़ा सा कैसे जाऊं मैं और मुझे मिलना आसान होता है नहीं होता है थोड़ा सा उस पर बताओ बिकॉज वो भी एक लॉजिस्टिकली बच्चों के लिए समझना जरूरी है कि कैसे मिलती है ये किस तरह से मिलती है और मैं किसके साथ काम कर सकता हूँ you know?

टारगेट uh, you know, तो कर सकते हो अगर आपको अप्रूव्ड एम्प्लॉयर को करना है अदरवाइज आप बाकी जो पोर्टल्स होते हैं सर्च कर सकते हैं इस and and आप किसी के साथ भी कर सकते हैं वेदर इट्स एन अप्रूवॉयर नॉट आपका पी ए आर तो एनीस हो जाएगा अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो जो आपका सुपरवाइजर होगा जो ये आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव को अप्रूव करेगा

आई डोंट हैव टू वरी कि ओ oh, अब कौन अप्रूव करेगा ये तो एसीसी नहीं है ऐसा नहीं है आप किसी भी आईफैक you know, है आप उनसे अप्रूव करवा सकते हैं सो so, चाहे वो ए हो सी हो आपका जो लाइन मैनेजर बस आईफैक का मेंबर होना चाहिए एंड यू कैन लाइक आपको उनकी डिटेल्स डालनी पड़ती है एंड आपको इजिली हो जाएगा अगर आपका लाइन मैनेजर डायरेक्ट लाइन मैनेजर लेट से अकाउंटेंट ही नहीं है एंड फॉर वट एवर रीजन मे बी बीज एन एम बी ए

अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये सेटअप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सुपरवाइजर तो मिलने बहुत आसान है क्योंकि ये सुपरवाइजर तो बहुत इजीली अवेलेबल है इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लेवल पे जो बच्चे काम करेंगे या जो सुपरवाइजर्स होंगे उनके पास ये क्वालिफिकेशन तो बाई डिफॉल्ट आपको मिलेंगी और अगर बाई चांस नहीं मिलता तो जैसा क्वेश्चन मैम ने कहा कि चलो फिर उसके ऊपर वाले सुपरवाइजर से बात करेंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आई एम श्योर किसी ना किसी की तो होती है और वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रियली गेटिंग वेरी गुड right तो हमने सुपरवाइजर के बारे में भी समझ लिया अब दिशा मुझे ब्रॉडली तो हमें समझ में आ गया कि यू नो किसी होती है किसके पास हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अप्रोच कैसे करेंगे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर क्या होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है बच्चों के लिए समझना जरूरी है विच जहां पर बच्चे ना थोड़ा सा घबराते भी है इट इज मोर टू डू विद लॉजिस्टिक कि मैं ये कैसे एक्सपीरियंस प्रूव करूंगा क्या प्रोसेस रहेगा मैं आ, मेरे को कौन सा फॉर्म भरना होगा मैं कहा जाके भरूंगा एंड सो एनसोन तो बच्चों को थोड़ा सा उस बारे में भी बताओ बिकॉज देखो कहीं ना कहीं गाइड तो बच्चों को एंड टू एंड हमें यू नो you know, करना है इन टर्म्स ऑफ दे रियली नोइंग कि घबराना नहीं है बच्चों वी आर फिन सर हमने तो घबराना है ही नहीं और तो क्या हम घबराने देंगे नहीं क्योंकि हमारे पास दिशा मैडम है माई so, एक्सपीरियंस करके पोर्टल होता है जहां आप क्लिक करेंगे तो आपको दो हेड मिल जाते हैं एक आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट का और एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ना एज ए स्टूडेंट आपने रजिस्टर किया और आप अभी तक कुछ भी नोट नहीं किया है तो आप देखोगे जीरो ऑब्जेक्टिव अचीव जीरो मंथ कंप्लीटेड आएगा ना हाउ टू स्टार्ट आप एम्प्लॉयमेंट वाले में क्लिक करो देन एक इन अ वे तीन चार लाइन्स का एक छोटा सा फॉर्म आता है जिसमें आपको बस अपने एम्प्लॉयर का नाम डालना है Uh, उनका एड्रेस डालना है यू नो सिटी पिन कोड वगैरह डालना है एंड देन मेल विल गो टू दैट इम्प्लॉयर लाइक हैव पुट यू एज ए सुपरवाइजर तो आपको एक मेल आएगा ईसीसी से आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगाइर एंड देन देर्स जैसे जैसे आप जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे या जैसे जैसे आपका टाइम क्लेम होगा वो अप्रूव करेंगे अब ऑब्जेक्टिव के लिए भी सेम है आप चूज करोगे उस सुपरवाइजर को अनाओलेट से मैंने एक साल काम किया किसी एक फॉर्म के साथ अब एक हो गया अब मैं क्या करूँ कितने भी एम्प्लॉय किया फाइव मंथ सिक्स मंथ वन ईयर ऐसा आपने ब्रेक करके भी किया हर जगह जाओ बस एक बार आपको एम्प्लॉयर का उसका नाम उनके डिटेल एड करने होते हैं और आपको आपको सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना होता है एंड वंस दे आर यू नो अप्रूविंग इट एक इनोवे एग्जाम्पल भी देता है इसी से एक डेमो कि आप कैसे फिल करो दे टेल यू वट आर दिंग्स यू शुड पुट अगर आप कोई टेक्निकल ऑब्जेक्टिव करो जैसे की मैंने ऑडिट प्लान का बताया तो उसमें आप ब्रीफली दो सौ तीन सौ वर्ड में डिस्क्राइब करोगे ये काम था मैंने ऐसे किया यू नो आई डिड ऑल दिस इन दैट एंड फिर आपको सुपरवाइजर के पास मेल जाएगा दे विल रीड इट दे विल बी लाइक सैटिस्फाइड कि यस दिस पर्सन एक्चुअली डिड दैट दे विल अप्रूव इट एंड आपका कंटीन्यूअसली पोर्टल में अप्रूव यू नो अपडेट होता जाएगा एंड आई विल आल्सो सजेस्ट एवरीवन कि कई बच्चे और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि काम कर रहे हैं एक फर्म में एंड देन जब एकदम एक छोड़ने वाले होते हैं दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सुपरवाइजर आई वुड से आप एक बार एक फर्म में आ आगे एक सुपरवाइजर अपना पकड़ लो उसका नाम दे दो एंड जैसे जैसे मंथ कंप्लीट हो रहे हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं डालते जाओ बिकॉज एकदम लास्ट मोमेंट पे करना यू नो इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल कि आप एकदम जस्ट छोड़ रहे हो या फिर आप सोचते हो कि ओके अब मैं इसको सुपरवाइजर बनाता हूँ जैसे ही ज्वाइन करो आई वुड सजेस्ट आप एक सुपरवाइजर आपका जो भी सुपरवाइजर है, है जो भी अकाउंटेंट है अब उनसे बात कर लो

एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है और मैं उस समय जाऊंगा उसके सुपरवाइजर के पास तो उनका टेस्ट मेरे लिए शायद शायद उस समय एट दैट पॉइंट इन टाइम बड़ा डिफरेंट हो हो सकता है हो सकता है है फॉर रीजन उन्हें मेरा जाना अच्छा ना लग रहा हो या आप किसी और रीजन से जा रहे हो या कुछ भी हो सकता है तो उस टाइम पे उस डिबेट में या उस इशू में जाने से अच्छा है हम मंथ ऑन मंथ हम जो काम कर रहे हैं हम उसे अप्रूव कराते चले मंथ में नहीं भी करा सकते तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करा लो बट किसी हाँ, तो रेगुलर इंटरवल में तो एटलीस्ट वो किसी के लिए बर्डन सम नहीं लगता है और दूसरा एक सुपरवाइजर जो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर छह क्वार्टर से अप्रूव करता आ रहा है अगर वो सातवें क्वार्टर भी अगर आप जिस क्वार्टर आप छोड़ते हो और आप उसके पास जाते हो तो वो उसके लिए मना नहीं कर पाता है बट अगर आप सेवेंथ क्वार्टर जाके उसके बाद पूरे के पूरे सेवन क्वार्टर का काम लेके जाओगे तो वो चार कमियां निकालेगा उसमें चार इश्यूज निकालेगा कि ये नहीं किया ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया एंड गुड कॉन्वर्जेशन टू है प्रैक्टिकल बात है जो दिशा जी ने बोली एंड यू शुड नेवर फोगेट दैट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन टेल यू विद वॉट एवर है इंडस्ट्री देर आर टाइम्स मेन स्टूडेंट रियली स्ट्रगल्स विद बिकॉज वो एंड टाइम पे आते हैं और एंड टाइम पे ये चीज प्रायोरिटी भी नहीं होती किसी की and you, they So we, बिल्कुल याद रखने वाली बातेंटाई नो इट बिकॉज यू आर देर जो डिस्कशन फोरम you know, uh, you know, you know uh, जितने क्वेश्चन आए थे ना, मैंने सारे कवर किए पीई आर के स्टैंड पॉइंट जो मुझे लगा मुझे पूछने चाहिए या डिस्कस करने चाहिए आपके साथ आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है दिशा जो मैं मिस कर रहा हूँ पीईआर से जो मैंने

अच्छा एक चीज ना मैं और बताता हूँ बड़ी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन मैंने देखी uh, मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड थे उन्होंने ए सी सी ए क्या यू नो ही वाज लाइक कि सर मुझे अब पी आर कैसे होगी एंड वी गाइडेड देम यू नो द वे दिशा मैम एंडेड कि आप अपने आर्टिकल चिप कवर कर सकते हो अपने पुराने सी ए से बात करो तो वो बाई डिफॉल्ट ना बहुत ही हैसल थे कि मैं सर पुराने सी ए से कैसे बात करूँ वो तो मेरी सुनेंगे ही नहीं वो तो मेरी मानेंगे ही नहीं मैं तो उन्हें कुछ दूंगा वो मेरे लिए अप्रूव करेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता सर सर ये कैसे और कोई रास्ता बताओ मैंने कहा भाई और कोई रास्ता ही नहीं है रास्ता यही है उनके पास आपने काम किया हुआ तीन साल उनके पास और इफेक्टिवली हर फील्ड में काम किया है जो इस चीज से रिलेटेड है तो प्लीज उनसे जाके लो जा, सर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर क्या वो इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स का जो वो फॉर्म आता है वो फॉर्म चलेगा मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा आपको प्रॉपर उसमें भरवाना पड़ेगा प्रॉपर अप्रूव करवाना पड़ेगा तभी चलेगा

बात करो बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन निकल आते हैं इफ यू रियली गो एंड टॉक प्रोफेशनली एंड रिस्पेक्टफुल्सल्ड हम हमने होने देना ही नहीं है इसलिए तो हम यहां बैठे हैं है, इसलिए हम एसीसी टॉक्स लेके आए हैं कि ये सारी चीजें कवर कर सके जो आप हमारे तक लेके आते हैं आपके इश्यूज आपके डिस्कशन पॉइंट्स आपके प्रॉब्लम एरियाज़ डिस्कशन फोरम ताकि हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर कर सकें और भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो इन टर्म्स ऑफ पी आर इन टर्म्स ऑफ कैसे शुरू करने हैं क्या आप कर सकते हैं कैसे आपको हमारी सपोर्ट चाहिए उसमें तो आप हम तक पहुंच ही सकते हैं मैं डिस्कशन फोरम का लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं अफकोर्स वी ऑल अर दिशा मैम इज हर आमर एंडकोर्स वी हैव वेरियस अदर मैं हियर फ्रॉम द इंडस्ट्री कैन रियली हेल्प यू इन टर्म यू नो ड्राइविंग एंड स्ट्राइविंग योर वेज

Absolutely. Thank you so much, sir. It's always a pleasure to be here. And I hope the video say we have able to clear all the doubts of regarding to PR of the students, and they are motivated now and they'll just start with their journey. Yes. Or discussion forum to hai or comment. We'll be more than happy to answer that. Thank you very much, Nisha. I'll see you again in some other forum. Thank you, sir. Bye-bye.